हर कोई बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसकी जो टॉप स्पीड अराउंड जाती है 2024 की कावासाकी निंजा ZX4R। कावासाकी ZX4R का प्राइस जो है भाई आज मैं फिर आया हूँ Z900 के ब्लॉग के बाद। मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ कावासाकी ZX4R 2024 BS6, जो कि पूरे वर्ल्ड की पहली बाइक ऐसी है जो आपको 400cc में इनलाइन 4 सिलेंडर देता है, जो कि आपको लाइक अराउंड समझ लीजिए 1000cc की जो बाइक है 4 सिलेंडर की आवाज़ देती है उस तरह का आवाज़ है, बट उसका आवाज़ सुना नहीं पाएंगे। बट बाइक शोरूम में है, उसके रिव्यू ब्लॉग के लिए आया हूँ मैं। देखिए कावासाकी पुणे के शोरूम में, जो कि वाकड़ेवाड़ी में है। तो अभी चलते हैं अंदर, और इसके पहले का ब्लॉग जो मैंने 10R का बनाया था, उसके बाद कावासाकी Z900, अब बनाने वाला हूँ ZX4R का, जो कि काफ़ी अमेजिंग बाइक है, बहुत सही है, उसका रिव्यू ब्लॉग करने के लिए आए। तो चलिए अभी चलते हैं शोरूम में फटाफट। एंड चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये देखिए जी, फाइनली मैं बाइक के पास पहुंच गया हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया की सबसे पहली 400cc में ये जो बाइक है भाई, आपको इनलाइन 4 सिलेंडर मिलता है। आपको मैं चलिए एक बार दिखाई देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये देखिए। एंड यहां पर देखिए कावासाकी ZX4R, क्या प्यारा लुक है यार, एकदम फुली ब्लैक कलर में है। आपको दिखा देता हूँ कैसा लुक है, आप देखिए कैसा लग रहा है आपको। देखिए कुछ ज़्यादा स्टिकर्स नहीं है इसमें, लेकिन आपको सिर्फ ये ब्लैक एंड ग्रे कलर में आपको जो निंजा है ZX4R यहाँ पे दिख रहा है। एग्जॉस्ट एग्जैक्टली वो एकदम 10R की तरह दिया हुआ है पूरा बड़ा। ये देखिए ये इसका कुछ टेल है, टेल भी आप देख पाएंगे तो बिल्कुल 10R की तरह है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और टायर का जो साइज़ है वो भी मुझे बड़ा ही लग रहा है वैसे, क्योंकि 400cc है भाई, पावर इतनी है, डिस्क तो डबल जो है वो तो फ्रंट में बनना ही था। तो देखिए सारे स्पेसिफिकेशन, सारे क्या क्या मोड्स दिए गए हैं, क्या प्राइस है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। कनेक्शन नहीं है बाइक का तो आपको मैं कंसोल नहीं दिखा पाऊंगा, ना तो मैं आपको इसके एग्जॉस्ट साउंड सुना भी नहीं पाऊंगा। तो बाकी अब ओवरऑल लुक देखिए, बाकी स्पेसिफिकेशन की बात अभी शुरू करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है ये बाइक को देख के, मतलब पहला सवाल क्या है आपके इसमें, प्राइस को लेकर आया, पावर को लेकर आए, या टॉप स्पीड लेकर आए, या लुक्स, क्या आपको सही लग रहा है? एंड आई डोंट नो इसमें दूसरा कलर अवेलेबल है या नहीं, बट ब्लैक में ऑलरेडी देख चुका हूँ। एंड इसकी आवाज़ जो है भाई बहुत प्यारी है, इनलाइन 4 है तो भाई मज़ा तो आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दम बसी बोर से लेकर कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नीए बट खान पेंदे मंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नी देंदे ओ गैंग साइन हत्था दा सिरो करदा अखा दा दिला युद्ध करे जब जे ओ बोर वांगू जदा मुंड टुकी अखड़े लोका बादी अगे पिंगे बहे घूमदे मिंटो मिंट पटना तू हस बलिए ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਲੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ तो चलिए जी, सबसे पहले अभी बात कर लें इस बाइक की स्पेसिफिकेशन की। तो इंजन की बात कर लें तो इंजन आपको इसका जो मिलेगा वो 399cc इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन विद 6-स्पीड गियरबॉक्स, क्या बात है। एंड BHP की बात करेंगे, आपको इसमें 77 BHP मिल जाता है एट 14,500 RPM। एंड टॉर्क जो है इसका 39 का है। एंड टॉप स्पीड की बात करेंगे तो कुछ गैस आपके क्या लगता है कितनी जाएगी, 150, 200, 250, 300? तो ये मैं आपको बता दूँ, इसकी जो टॉप स्पीड अराउंड जाती है 230+, 230 से भी ज़्यादा इस बाइक की टॉप स्पीड है। एंड अराउंड 3.9 सेकंड्स में ये 100 की स्पीड पे चली जाती है, मतलब समझिए 4 सेकंड्स बहुत होते हैं,
क्या बताऊँ मैं, 400 सीसी की बाइक 4 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ती है भाई, क्या बात है, बहुत अमेजिंग पावर है। जो 77 BHP आपको 400 सीसी में मिलता है, वो भी प्लस इनलाइन 4 सिलेंडर, भाई गजब, एक नंबर गाड़ी है, मेरा तो दिल खुश हो गया यार ये बाइक देख के। तो फ्रंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि पहले भी ये देखिए निंजा 300-400 में आते थे, यहाँ पे साइड में आते थे, यहाँ पे आपको मिरर्स में देखने के लिए टैनर की तरह पे नहीं मिलेगा। LED इंडिकेटर्स आ गए फ्रंट में, एंड ईयर में भी आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एज इट इज़ सेम जो 900 और 10R में आते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एग्जॉस्ट तो मुझे सेम वैसा ही लग रहा है जो 10R में दिया गया है। अलॉय व्हील्स की बात करें तो आपको इसमें वही सेम 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, एंड फ्रंट का जो टायर साइज है वो आपको मिल जाता है 120/70, एंड रियर का जो है वो है 160/60। ये देखिए नॉर्मली 400 CC बाइक्स में जो आपको पता ही है 150/60 साइज का टायर आता है, बट इसमें आपको 160/60 का दिया गया है, और ब्रॉड है ये काफ़ी, तो मतलब आपको कॉर्नरिंग के लिए तो भाई और मज़ा आने वाला है, एकदम तूफान है ये गाड़ी। और डिस्क की बात करें तो आपको फ्रंट में यहाँ पे देखिए डबल डिस्क देखने मिल जाता है, जो कि ड्यूअल चैनल ABS है, एंड फ्रंट का जो डिस्क का साइज़ है वो है 290mm, एंड रियर का जो डिस्क का साइज़ है वो है 220mm। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी बड़ा है ये। तो फ्रंट में आपको शोवा के 37mm के अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, एंड रियर में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक मोनो सस्पेंशन। मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे सामने से, ये देखिए लाइट्स जो है, देखिए एज इट इज़ ये देखिए 400 है और ये ZX4R है, थोड़ा सेम ही लग रहा है। एंड यहाँ पे मैंने एक वेंट टाइप देखा है, ये देखिए फेयरिंग में, जो कि आपको वहाँ 400 में नहीं मिलेगा। सो ये मतलब इंजन में मतलब जितना ज़्यादा हवा जाएगा तो वो एयर वेंट दिया है, कितना बढ़िया, तो बाइक आपकी जो है ज़्यादा हीट नहीं होगी। और यहाँ पे बढ़िया सा ये देखिए आपको रेडिएटर मिल जाता है इतना बड़ा। इस बाइक की वेट की बात करेंगे तो इसका वेट है 189 kg, मतलब देखिए इतना पावर है बाइक में, और 200 किलो से भी कम है वेट इस बाइक का, तो काफ़ी भाई पावर जनरेट करने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है इस पर, अगर ट्रस्टेड मिल जाते तो मज़ा आ जाता। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये देखिए नीचे दिखा देता हूँ आपको, ये ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका 135mm का है, एंड Z900 का मैंने देखा था वो था 145mm। एंड सीट हाइट की बात करेंगे तो सीट हाइट आपको मिलती है ये 800mm, तो हम चलिए किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, बट काफ़ी बढ़िया है। एंड ओवरऑल लेंथ जो है ना बाइक की वो है 1990mm, मतलब 1990mm की है ये देखिए। तो चलिए इतना कुछ तो मैंने वैसे स्पेसिफिकेशन आपको इस बाइक का बता ही दिया है, बट एक चीज़ और बतानी है मुझे, तीन चीज़ें हैं। एक तो है सबसे मेन जो है इसका प्राइस, तो 400 CC का जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, बस अब वीडियो में बने रहिए। पहले दो चीज़ें बताता हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, टोटल तो तीन चीज़ें हैं, पहले दो बताता हूँ। एक तो आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा और क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा, मतलब इतना चार्जेस लेने के बाद, बाइक में सारा कुछ देने के बाद ये दो चीज़ें क्यों मिस कर दी, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आपने देखा मैंने मोस्टली सारे स्पेसिफिकेशन जो भी मेन पॉइंट्स हैं मैंने बाइक के कवर कर लिए हैं। तो ये है 2024 की कावासाकी निंजा ZX4R इनलाइन 4 सिलेंडर, क्या बात है यार, बहुत अमेजिंग मशीन है, तो पता नहीं मैं इसको कभी राइड कर पाऊंगा यार। तो फ्यूल टैंक की बात कर ले तो फ्यूल टैंक जो इसका आपको 15 लीटर्स का मिल जाएगा, एंड माइलेज भी अराउंड 14-15 की मिलेगी, भले ये 400 CC की बाइक है। एंड सीट की बात करेंगे तो सीट का जो है, जो मुझे तो देखिए हार्ड ही लग रहा है, वैसे ज़्यादा कुछ खास सॉफ्ट नहीं है, बट पिलियन के लिए भी सीट अच्छी है, बुरी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ओवरऑल तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बाइक। ZX4R में आपको तीन मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एक है रेन मोड, एक है स्पोर्ट्स मोड, एक है रोड मोड। नया टेल काफ़ी प्यारा लगता है, क्योंकि यही टेल है ना आपको 10R में भी देखने के लिए मिलता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए टेल में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, एक तो देखिए यहाँ रियर में है, एंड दो साइड में दिए गए हैं, अगर कहीं पार्क किया तो ये रात को विजिबिलिटी देगा अंधेरे में, कहीं अगर लाइट इसके ऊपर पड़ती है। तो इस बाइक की अगर इंजन की बात करेंगे तो आपको जो वारंटी जो है वो स्टैंडर्ड आपको मिल जाती है 2 ईयर्स की, एंड इफ़ अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो आप 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा एक्सटेंड करा सकते हो, बट वो भी डिलीवरी से पहले, वो भी उसका कॉस्ट अराउंड पड़ जाता है कि 30-35 हज़ार रुपये। तो चलिए जी, बाइक की अभी सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो है ऑन रोड प्राइस जो है कावासाकी ZX4R का कितना है, तो वो है कुछ आपको गैस लगता है कि कितना होगा, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, नहीं तो चलिए बता देता हूँ। तो कावासाकी ZX4R का प्राइस जो है भाई वो है 11,11,000 रुपीज़ ऑन रोड इन पुणे महाराष्ट्र। तो देखिए 400 CC के लिए, एज अगर मैं सोचूँ
तो मुझे लगता है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मैं मानता हूँ इनलाइन फोर सिलेंडर दिया है, बट मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होता, प्राइस कम होने वाला नहीं है। बट मैं मेरा बता रहा हूँ, अगर मेरे हिसाब से अगर इस बाइक का प्राइस अराउंड होना चाहिए था 6.5 to 7 lakhs, तो भाई ये मार्केट में काफ़ी चलती, अभी भी चलेगी। बट ये वही बंदा लेगा जिसके पास ऑलरेडी 10R होगी या 900 होगी, अगर उसे शौक से लेनी है तो बात शौक की आ जाती है। अगर उसे शौक से लेनी है, 10R भी है और 4R भी लेनी है, तो वो बंदा सोचेगा चलो एक बार 400 भी लेके देख लेते कैसी है। सो सब कोई, हर कोई बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हाँ जी, वेलकम बैक। तो मैं अभी देखिए कावासाकी के बाहर आ गया हूँ, जो जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए, बट मुझे जो है ना 3 चीज़ें अच्छी नहीं लगी। तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ, पहले तो प्राइस काफ़ी हाई है मेरे हिसाब से 400 cc में, एंड आपको ना तो इसमें लॉन्च कंट्रोल मिलता है, ना आपको इसमें मिलता है क्विक शिफ्टर, वो भी देना चाहिए था। अगर आप 11,11,000 रुपये ले रहे हो ऑन रोड प्राइस भाई 400 cc बाइक का, मैम मेरा बता रहा हूँ पर्सपेक्टिव ये है। एंड जो चीज़ें अच्छी लगी वो है आपको 400 cc में पहले तो इनलाइन 4 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो है टॉप स्पीड अराउंड 230 plus 230 plus टॉप स्पीड आपको मिल रहा है 400 cc बाइक में, एंड बाइक का वेट भी ज़्यादा नहीं है। 400 cc में बाइक का ज़्यादा वेट कितना आता है, 150 kg, और ये 189। तो एंड BHP इसका 77 भाई, अमेजिंग। वो चीज़ें मुझे देख के ना काफ़ी मज़ा आया। और अगर बात करेंगे लुक्स की, तो इसका लुक अराउंड है ना, मतलब थोड़ी स्लिम है, लाइक ऐसा नहीं कहूँगा कि काफ़ी बल्की है, यूज है 10R की तरह, ना तो ZX6R की तरह। ये जैसे 10R है उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है 6R, और उससे थोड़ी और कम हो जाती है 4R। स्लिम है, एकदम स्लीक बाइक है, और काफ़ी अमेजिंग, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक चीज़ का भी मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि ना कंसोल देखने मिल जाता, या फिर उसकी एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुनने मिल जाती, भले स्टॉक ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट वो तो सुनाई देती, तो काफ़ी मज़ा आता। या इतना पता है, मैंने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट वाले मतलब यूट्यूब पे वीडियोस में देख चुका हूँ ZX4R के कंपैरिजन में, 10R से उसमें फ़र्क तो है, बट आवाज़ जो है ना भाई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद अमेजिंग है। बट वो ये तो बंदा नहीं पहचान पाएगा दूर से कि ये 4R जा रही है, 6R जा रही है, 10R जा रही है, ये तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। एंड मुझे लगता है कि जितना हो सकता है मैंने सारे पॉइंट जो है बाइक के कवर किए हैं। अगर आपको लगता है इसमें कुछ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड इसके पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा तो देखिए, तो कावासाकी Z900 का मैंने ब्लॉग बनाया था, इसके पहले वाला आपने नहीं किया तो प्लीज़ जाके चेक करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए यार। आप प्यार देते रहिए, बस 80,000 सब्सक्राइबर्स अपने जल्द से जल्द होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। साडे मैट्रिक च आउंदी ना प्लस बल्ली है।